से जुड़ी हुई। गया से जीत रहे जीतन राम मांझी और जीत गए, 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें जीत मिली है। जीतन राम मांझी जीत चुके हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देखिए गया से उनकी जीत हो गई है। जीतन राम मांझी के संदर्भ में बहुत बड़ी जानकारी और ये अभी अभी बहुत सारे वोटों का है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये रुझान जो अब तक सामने आ रहे हैं, ये जो फासला है वो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों का है जूली। और इससे हम समझ सकते हैं कि भले ही आधिकारिक इसकी पुष्टि ना हुई हो लेकिन ये फासला बहुत ज्यादा है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है जहां पर खूंटी पर बड़ा जो बदलाव है तब्दीली है वो नजर आ रही है। और गया से तो जीतन राम मांझी जो है वो जीत गए हैं 2019 में, ये चुनाव जो है वो विजय कुमार मांझी से वो हार गए थे। एक एक रिएक्शन छोटा सा ले लेते हैं। गया जीत चुकी, हम कहिए एनडीए कहिए, एनडीए के पार्टनर्स तो मैंने पहले भी कहा कि ठीक ठाक ही प्रदर्शन कर रहे हैं इस चुनाव में। और जीतन राम मांझी के बारे में पहले से भी था, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जातीय समीकरण भी लगभग उनके साथ थे, बीजेपी के वोट एलायंस की तरफ ट्रांसफर हुए हैं ठीक ठाक से ऐसा दिख रहा है। एलायंस पार्टियां जो हैं उनके वोट बीजेपी को ठीक से ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं हुए ये एक देखने वाली बात है। बिहार में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि चाहे एनडीए को एक बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है सीटों के लिहाज से, लेकिन पूरे बिहार के अंदर जो है एनडी गठबंधन की पार्टियों ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है। बिल्कुल, गया से जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ आना एक बड़ा फैक्टर माना जाए, कोई और फैक्टर है? निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ होने का उनको लाभ मिला है। हालांकि बीच में खबरें ऐसी आई थी कि उनकी सीट फंसी हुई है, लेकिन अभी जब 1 लाख से वो चुनाव जीत रहे हैं और ऐसे समय में जब रामविलास पासवान के बेटे 50,000-60,000 की बढ़त ले रहे हैं, वो भी अपने पिता की पारंपरिक सीट पर, उस दौर में अगर जीतन राम मांझी 1 लाख से अधिक मार्जिन से जीत रहे हैं तो ये अच्छी खबर। चलिए आपसे रिएक्शन, जो गया की सीट है वहाँ सिर्फ इतिहास की मांझी ही जीतते आए उम्मीदवार, ऐसा भी वैसा ही हुआ मांझी जी जीते जीतन राम मांझी जी इस बार? लेकिन हाँ, एनडीए के पार्ट होने की वजह से भाजपा की तरफ से जो उनको समर्थन मिला वो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और ये भी देखिए कि ये उनके पूर्व की जो छवि रही है कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने जो जातिगत समीकरण में भी काफ़ी अधिक सुदृढ़ स्थिति में थे, तो ये अच्छा एक संकेत था। हालांकि आप देखिए कि एनडीए में बीजेपी के तरफ कितना कुछ हो सका, जो उम्मीद की जा रही थी उससे विपरीत हो रहा कि एनडीए बिल्कुल, तो जो उम्मीद बीजेपी को थी, जो उम्मीद एनडीए को थी उससे थोड़ा पीछे वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के लिए एक अच्छी खबर जो है 2024 का लोकसभा चुनाव लेकर के आया कि वो अपनी सीट जो है निकालने में सफल हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद रुझान परिणाम आपके सामने होंगे।